के मुरादाबाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज शुरुआत की। दोनों भाई बहन मुरादाबाद में कांग्रेस की यात्रा में आज एक साथ नजर आए। मुरादाबाद में भारी संख्या में उत्साहित लोगों ने पूरे मन से राहुल और प्रियंका का स्वागत किया। इस दौरान खुली जीप में दोनों भाई बहन की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। खुली जीप पर सवार भाई बहन को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। हर कोई प्रियंका राहुल की झलक पाने को बेताब हो रहा था। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस की न्याय यात्रा दो दिन के विश्राम के बाद आज मुरादाबाद से फिर से शुरू हुई है। कांग्रेस ने वेस्ट यूपी में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है। आज सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी, जिनका ये ससुराल है मुरादाबाद, और आज अपने ससुराल से ही इस यात्रा में शामिल हो गई हैं, और इसी वजह से भी मुरादाबाद के लोग खासे उत्साहित नजर आए कि मुरादाबाद की बहू आज मुरादाबाद पहुंची है, तो उसे देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज और कल में यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा और संभल होते हुए आगरा की तरफ बढ़ जाएगी। वहीं इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। 2 ASP, 8 CO और 12 SHO की ड्यूटी लगाई गई। थानों की फोर्स के साथ ही 400 पुलिसकर्मी और PSC जवानों की 2 कंपनियां लगाई गई। तो मुरादाबाद से आज शुरू हुई राहुल प्रियंका की भारत जोड़ो यात्रा दोपहर पाकबड़ा अमरोहा जिले में पहुंची। वहीं शहर अध्यक्ष फैज आलम रायनी के मुताबिक यात्रा का पाकबड़ा कैलसा रोड स्थित गांव पायती कला, कैलसा चौराहा, तेलीपुरा, नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया और शहर में बाकायदा यात्रा की शुरुआत बाईपास स्थित संत रविदास चौक से हुई। यहां से चलकर अंबेडकर पार्क, आजाद रोड स्थित आई.एम. इंटर कॉलेज, शहनाई उत्सव मंडप पर कार्यकर्ता यात्रा का लगातार स्वागत करते नजर आए। गांधी मूर्ति चौराहे पर राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित भी किया। यहां के बाद टीपी नगर बंबूगढ़ के चौराहे के अलावा जोहा में भी यात्रा का स्वागत होगा और यहीं से यात्रा संभल जिले के लिए रवाना हो जाएगी। मुरादाबाद से ये राहुल और प्रियंका की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव को भी धार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद को इस बार खास अहमियत दी गई है और इस न्याय यात्रा में प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। मुरादाबाद जैसा कि प्रियंका की ससुराल है, तो बहू के आगमन पर पार्टी में उत्साह नजर आया है। मुरादाबाद में भले ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन इस यात्रा के जरिए प्रियंका पूरे मंडल को संदेश दे रही है।